हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, यदि आप एक अच्छा रिज्यूम बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, तो दोस्तों आप बना सकते हैं बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन का सहारा लेना पड़ेगा, वह एप्लीकेशन है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब से आप एक अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको कहीं किसी दुकान पे जाना नहीं पड़ेगा रिज्यूम के लिए, आप घर बैठे बना लीजिएगा। उसके बाद कहीं भी आप जा करके उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो दोस्तों, आप जिस प्रकार से रिज्यूम को बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं अपने मोबाइल से। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोगों का अधिक समय नहीं लेंगे, तो मैं चलता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को कैसे रिज्यूम को बनाना है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, रिज्यूम को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, ओपन करते हैं पिक्सल लैब को। यदि आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाकर के पिक्सल लैब डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मैं ओपन करके बताता हूँ कैसे ये रिज्यूम को बनाया जाता है। ओपन करते हैं, उसके बाद ये देखिए मेरा पिक्सल लैब ओपन हो गया है। उसके बाद दोस्तों, आप इस बैकग्राउंड में कलर लेना चाहते हैं जो भी, तो आप ले सकते हैं। चलते हैं, आप कलर दिखा देते हैं कहाँ से लिया जाता है, ये देखिए। फिलहाल दोस्तों मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, उसके बाद इस पर ओके कर देंगे। उसके बाद आपको जाना है ए पे, ये देखिए ए का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद टेस्ट पे जाएंगे, टेस्ट के बाद उसके बाद ये देखिए एडिट दिया हुआ है, एडिट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहीं से लिखना रहता है, तो मैं चलता हूँ दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे आपको लिखना रहेगा। ये देखिए, आप यहाँ से इसको मतलब जहाँ चाहेंगे कर सकते हैं। तो चलते हैं, लिखते हैं, ये देखिए दोस्तों रिज्यूम हो गया है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा मॉडल ले लेते हैं, उसके बाद हो गया। उसके बाद आप अपना नाम लिख लेंगे यहाँ, उसके बाद आपको लिख देना है कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों आप अपना नंबर ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ से, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे, फिर लिखते हैं। उसके बाद यदि आपका ईमेल आईडी बना है तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिएगा, जो भी रहेगा। उसके बाद फिर आ जाएंगे नीचे, उसके बाद अपना जो आपका एड्रेस है यहाँ से आप डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद पोस्ट लिख देना यहाँ पे, उसके बाद फिर आ जाना है नीचे, नीचे से लिखना है आपको। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जो भी रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यदि आगरा है तो आगरा डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिख देना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जो भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, वैसे ही आपको लिख लेना है जो लिखना रहेगा। आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव में लिख देना जो आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं, पर्सनल डिटेल आपको लिख देना है, जो भी रहेगा आपका। उसके बाद जैसे आपका हो गया पर्सनल डिटेल में, उसके बाद यानी सब डाल देना है, नेम, फादर्स नेम, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन डाल लिख दीजिएगा। उसके बाद रिलीजन लिख देना है आपको, हिंदू, जो भी रहेगा आपका। हॉबीज में डाल दीजिएगा रीडिंग, इंग्लिश, म्यूजिक। उसके बाद लैंग्वेज डाल देना है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी रहेगा आपका। तो दोस्तों आपको इसी तरह लिख देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ लिख देना है, क्वालिफिकेशन में आप डाल दीजिएगा जो भी रहेगा। जैसे मान लिया जाए हाई स्कूल पास फॉर्म बोर्ड इन 2013। ये देखिए दोस्तों, यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो दोस्तों आप इसी तरह लिख सकते हैं। उसके बाद यदि आप इंटर हैं तो यहीं पे और बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर यदि आपका टेक्निकल है तो आप यहाँ से टेक्निकल डाल दीजिएगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपका आ जाएगा डिप्लोमा, ITI, जो भी रहेगा आप लिख लीजिएगा ऐसे ही। उसके बाद एक्सपीरियंस यदि आपका है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख करके आपको मतलब कंपनी का नाम और एक्सपीरियंस कितने दिन का है सब कुछ वहाँ लिख लीजिएगा। इसलिए दोस्तों मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ही शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया हूँ। तो दोस्तों आपको इसी तरह रिज्यूम बना लेना है। उसके बाद तो चलते हैं और दिखाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से बैक करके ओके कर देना है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, थोड़ा इसे हम साइज में ले लेते हैं, छोट कर लेते हैं, छोट करके इसे आप बढ़ा लीजिएगा। तो दोस्तों आप इसी तरह लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका हेडिंग है थोड़ा मोटा कर लेते हैं। आपको यहाँ से करना है, आपको जाना है स्टाइल पे,
यहाँ क्लिक कर देना है। उसके यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको खाली रिज्यूम पे मतलब हेडिंग इसका मोटा करना है, आपको इसी तरह कर लेना है। ये देखिए रिज्यूम का हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, तो हम चलते हैं थोड़ा नीचे चलते हैं। ये देखिए अंडरलाइन भी हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा मोटा भी अक्षर हो जाएगा। ये देखिए आपको इसी तरह उसके बाद फिर गुड वाले निशान पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर जाएंगे, उसके बाद फिर चलते हैं दूसरे पे लेते हैं। ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे और फिर नीचे से इसी पे लाना है हमको। उसके बाद फिर यहाँ से आपको इस पे और इस पे, ये देखिए थोड़ा मोटा हो गया। आप यहाँ से पतला भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको यदि सेव करना रहेगा तो आप यहाँ से, ये देखिए निशान दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ डिफ़ॉल्ट दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अल्ट्रा पे जाएंगे आप, यानी आपका क्वालिटी में अच्छे में सेव हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपका मतलब जो भी रिज्यूम है ये सेव हो गया है, तो आपके गैलरी में चला गया है। तो आप कहीं भी अपने नज़दीकी CSE सेंटर या कोई भी दुकान से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप बनाना चाहेंगे रिज्यूम आप बना सकते हैं यहाँ से। आपका पैसा भी कम लगेगा और मतलब जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएगी दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।